हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल रेनू होम रेमेडीज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कर सकते हैं। इस ऑयल को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको ऑयल को आप आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोहे की कढ़ाई लेते हैं तो आपकी रेमेडी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 50 ग्राम के करीब सरसों का तेल और 4 फलियां मैंने ली है सिकाकाई की। फ्रेंड्स, सिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के इस तेल में डाल लूँगी। सिकाकाई हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी फ्रेंड्स, वो है फ्रेंड्स रतनजोत। रतनजोत भी हमारे सफ़ेद बालों को काला करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। रतनजोत और सिकाकाई दोनों ही अपन सारी की दुकान से आप आसानी से मिल सकते हैं। रतन जोत के भी वह छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के मैं इस तेल में डाल दूंगी और अब मैं ये तीनों ही चीज़ें मिलके हमारे इस सरसों के तेल को इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि ये ऑयल किसी मैजिक की तरह काम करेगा। फ्रेंड्स, इस ऑयल को पकाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस ऑयल को ज़्यादा तेज आँच पर नहीं पकाना है, बिल्कुल मीडियम आँच पर ही इसको पकाना है ताकि हमारा ऑयल ये जल्दी से जले ना। अगर हम इसको धीमी आंच पे पकाते हैं तो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके सारे गुण इस ऑयल में आ जाएंगे और इनको अच्छे तरीके से पकाते रहना है जब तक कि इसके सारे बबल्स ख़त्म ना हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे इसके बबल ख़त्म होना शुरू हो गए हैं और हमारे ऑयल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि हमने इसमें रतन जोत मिलाया था, इसलिए इस ऑयल का कलर थोड़ा सा रेड हो गया है जो कि हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये फ्रेंड्स आपको पूरे पेशेंस के साथ इस ऑयल का इस्तेमाल करना, ये नहीं है भी एक या दो बार आप इस्तेमाल करोगे और आपको एकदम से ही रिजल्ट मिलेगा। आपको पूरे पेशेंस के साथ इस ऑयल का इस्तेमाल करना है। हमारा ये ऑयल बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद ही मैं आपको इसको स्टोर करूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स, इसको स्टोर करने के लिए मैंने एक खाली कांच की कंटेनर लिया है और अब मैं इसको एक छलने की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से छान लूँगी। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको ठंडा करके ही छानना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ऑयल बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, ये ऑयल किसी जादू से कम नहीं है। अगर हम इसको रेगुलर 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो इस ऑयल के फायदे आप देखकर चौंक जाएंगे और आप खुद इस ऑयल को बार बार बनाना शुरू कर देंगे और दूसरों को भी इसकी ऑयल की सलाह देंगे। अपने बता दूँगी आपको उसको कैसे लगाना है। फ्रेंड्स, आपको इस ऑयल को अपने सिर पर अच्छे तरीके से मसाज करनी है और अगर हो सके तो आपको ओवरनाइट के लिए ही इसको लगाकर छोड़ देना है। अच्छे तरीके से आपको हल्के हाथों से इसके मसाज करनी है। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि जब आप अपने बालों पर किसी भी ऑयल से या फिर किसी भी चीज़ को अपना अप्लाई करते हो या अपने बालों की मसाज करते हो तो उसी टाइम पे आप कंघी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाते हैं और हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कभी मत करें। मसाज करने के बाद कभी भी अपने बालों में कंघी ना करें। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।